टेर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं वी हैव रेड प्लानिंग हम ना अटैक और उनका टारगेट है इंडिया सरदमी पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा एंड टाइम स्टार्ट्स के बनवास का टाइम खत्म होगा सब इतने गुस्से में क्यों है हा? मेरे खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले लीजिए जहां मेरे नाम का वारंट है बैंकॉक में सबसे अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट कौन सा है क्या मतलब <laughs> मतलब मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को खत्म करने के बाद आज रात इटालियन डिनर किया जाए तुम किसी भी तरह उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर वहां क्या हो रहा है उसका इंटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा

से बाद देश के सिनेमाघरों का नजारा बदला हुआ है मॉर्निंग शोज में पुलिस के के चाक चौक बंद बंदोबस्त बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ, की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफी तरोताजा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और यह मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा ये कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस इसराज की स्पाई इस यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है पठान की कहानी फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है कश्मीर में अनुच्छेद तीन को रद्द कर दिया गया है इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जमियानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दे बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी यानी कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल यानी राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आईएसआई आई के एजेंट रुबाई यानी देविका पाथकोट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात के पतली से थी लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म दे देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की मगर बैंक बैंक और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मार्बल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टन ट्विस्ट एक्सॉटिक लोकेशन हीरो विलन के बीच शाह और मात चुटेला संवाद कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हारत अंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पचेसका स्टाइल बेअैक्स स्नोमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है पठान के किंग खान अपने कम को सही मायनों में सार्थक करते हैं एस आर के का लुक हो आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिम के रूम में जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग है बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उनके विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी सलमान खान की बीस मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फायदा मिला है सलमान शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं दीपिका पातकोड़ की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल के विभिन्न परतों को खूबी से जिया है बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्य में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है डिम्बल कपाड़िया और सुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूके हैं सहयोगी कास्ट अच्छी है पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा फिल्म की कहानी पठान यानी खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है आप पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसके बारे इसको पूरा भी कर लेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जानताओं पर लगानी पड़ती है दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में दीपिका पातकोड़ इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम जाने एक ऐसे दुश्मन है जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन देश की खातिर देविका शहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है लेकिन अकेले जॉन अब्राहम देवका और शहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टंस काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पातकोड़ सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है रात में चौकीदार अलावा जलाए देख देखते हैं उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकने दिखे आखिर पठान जो आ रहा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं कभी काबिली वाला में तो कभी खुदा गवाह में यह पठान लावारिस है घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे कहता है इसे भारत देश ने पाला है पठाने फिर भी अफगानिस्तान का है वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है आई की माने तो शहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो दो फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है कहानी का सिरा फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो यह सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो आज आई, तो आईएसआई के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साइड रख दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों के प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है यहाँ पठान और रुबाई की एक और रूबानी दास्ता बन रही है दोनों मिलते हैं पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुगदी से निकलकर आई के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं फिल्म पठान शुरू के एक घंटे तक कमाल की फिल्म है बेहतरीन एडिटिंग पठान का मिशन में शामिल होना रॉक अफसरों का आपस में नीति नियंत्रताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने होने जा रहे वैज्ञानिकों का हमला जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हो बहू कापी नहीं करते बिलन को मारने और, और भी तरीके थे विलन को मारने के और भी सौ तरीके थे लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसकी खुशबू भी ताज़ी होती तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी इस राज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्म भी देखने की ज़रूरत है ज्यादा नहीं तो कम से कम बीते पच्चीस साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बोटी से कम नहीं है सुबह सात बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियाँ शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई सवान बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में, में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं मतलब मतलब साफ है बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है फिल्म फिर भी अच्छी है अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती चार फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंक बैंग, बैंग बनाई थी तभी उनके नजरिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में नतीजा असब को अपता है उसी सोच और उसी नजरिए की फिल्म पठान भी है कैमरा हीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है वह आसमान से देखता है आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है फिर चाहे वो जान का अड्डा हो बेशरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेंज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस, उन उनके निर्देशकों में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है दो घंटे छब्बीस मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें फिल्म कामयाब है रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि यह लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और उसे संभालने की पूरी जिद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है तीस साल हो गए ये सब करते करते लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते खुद ही करना होगा यूँ लगता है जैसे बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है शहर की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो दीपिका पादकोट का है वह वा फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है वह आखिरकार अपने पूरे रुआ में दिखती हैं जो नहम के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब हो रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं शाहरुख और दीपिका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात में उसे मिलाने में जुट जाती है शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज है जो आखिरकार चार सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है देव का पातकोड़ और जाना अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल क्लास ज, फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं लेकिन रोमांस के बाद साथ का एक्शन अवतार आपको कितना भाता है आइए जानते हैं सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपने इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है इस यूनिवर्स में उन उनके नए जासूस हैं शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलि इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउट फेथ एक्स चलाता है वही दीपिका पातकोड़ एक आई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टंस हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफी एक्साइटिंग है सरप्राइज पैकेज है दीपिका पातकोड़ को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्मवार को बार बार याद दिलाती है साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं जिसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश दुबई की सड़कों पर बूंद बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान फोंक दी है फिल्म के इंटरल में लोग बाहर जाते हैं लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते गाते और चिल्लाते हुए देखा है कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी फिल्म में भाईजान भाईजानी सलमान खान की भी एंट्री है सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो जबरदस्त है जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है ऐसे आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी इस बस नया खतरा नया मिशन लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद ख़ास है यह फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है पठान एक फैमिली एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट वाली जबरदस्त मसाला फिल्म है जिस जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारे एलिमेंट मौजूद हैं मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है थ्री स्टार शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिला लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा लव यू शाहरुख खान सिनेमाघर के अंदर स्क्रीन पर शहरुख के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियाँ भी बजाई। भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बायकॉट ट्रेन का सामना करना पड़ा उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज अधिक गूंजी फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूम में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था शाहरुख खान व सलमान को रू पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल हाँ तालियों की गड़गड़ाह से गूंज उठा है रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है आज अकेला आया हूँ कल फैमिली के साथ आऊंगा और परसों रिश्तेदारों के साथ पूरे दर्शक ऋषभ बोले चार साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बन बनानजा से कम नहीं था शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है विश्रम गाने के बाद पर देविका ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए हमें बाइकआउट गांग को ही बाइकआउट करना चाहिए सारे गाने बहुत अच्छे हैं इस तरह की टेंट सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी दीपिका के बेशरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहने को लेकर विवाद गरमाया था लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है तृढ़ आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लाक बताया है फिल्म तो रिलीज हो गई है लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म आइए जानते हैं फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया बिशाल ने ट्वीट किया आ, आज त्यौहार है पठान जय हिंद स्पाइलर्स ना दे तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें ऐसी चीजें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें पठान के एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस की भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए अब यह फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन पर चलाई जाएगी यह एक रिकॉर्ड है यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म 8000 स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई भारत में फिल्म अब पचपन स्क्रीन पर चलेगी शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल राशिद खान उर्फ के के ने भी फिल्म को फर्स्ट हाफ को फॉर स्टार डे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है दिल्ली के सिनेमाघरों में बिल्ला बू शाहरुख हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया बेशरम गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था वो भी अभी तक जारी है पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्फ लेते दिखाई दिए हैं एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को स्टार दिए हैं उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है एक ट्वीट में उन्होंने लिखा पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसर राणा ने अपना रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है रुसद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं इस महीने शादी करने वाले रुसद राणा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था कोई शिकायत नहीं है मुझे एक्स सच में बहुत पसंद आया फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को चार और पांच स्टार दे रहे पठान दो आइडियोलॉजी की कहानी है एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रा एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है लेकिन एक कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है दिल्ली में सार्के के फैंस बैंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे वहीं कई थियटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पठान है। पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है मिशन रक्तिबाजी के लिए पठान रुबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है यान? या होगी जिम की जीत ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है देविका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है वही सलमान खान के कैमियों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रुबीना के साथ होता है इस दौरान उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि मिशन रगतेबाजी क्या है पठान शाहरुख और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा थिएटर में लगभग दस मिनट तक फैंस तालिया और सीटियाँ बजा रहे हैं इंट्रोल के बाद हम फिल्म में मच आवंश सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं सालों के बाद स्क्रीन पर सलमान और शाहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है इसकी दिलचस्प कहानी इंटरल के बाद शुरू होती है फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है फिल्म की रिलीज़ के बाद टी वी नाइन भारत वर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की शाहरुख ने शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बायकॉट नहीं होने देंगे हम पठान जरूर देखेंगे विवाद तो चलते ही रहते हैं आई एस आई एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन सनरक्तिबाजी पर तो चल पड़ता है लेकिन उसे रुबिन धोखा दे देती है जहाँ फिल्म का इंट्रोल हो जाता है हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है मिशन रक्तिबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है फिल्म में दीपिका पातकोड़ आईएसआई अफसर का किरदार निभा रही हैं जिम का पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना मोहसिस के साथ होती है भले ही वह जिम के साथ हो लेकिन रक्तिबाजी के लिए वह पठान से हाथ मिला लेती है जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम क्यों देश के खिलाफ हैं इसकी कहानी फिल्म में बयां की गई है पठान में देविका पातकोर भगवा स्विम शूट में दिखाई दी हैं हालांकि बेसरम रंग गाने में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था वो सीन कट गया है भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देविका पातकोर शाहरुख खान के रोमांस रोमांस नहीं कर रही हैं लेकिन फिल्म के बेशरम रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम शूट में देखा जा सकता है रहा अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता है। ये कहानी डिम्पल कवाड़िया सुनाती हैं जहां वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं उनके साथ पठान काम करता है फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं जिनके साथ पठान काम करता है हालांकि अब पठान उनके साथ काम नहीं करता इस दौरान एक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है लेकिन अब न तो पठान पर भरोसा करते हैं और न ही दीपिका पर दुश्मनों से चार हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो, जाते हुए नजर आ रहा है हालांकि वह वह दौरान चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है पठान जंजीरों के बीच जकड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं हिंदी में बोल पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अस्वीकरण यानी डिस्कले मर दिया गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है हिंदी में बॉल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है मुंबई में पीबीआर ओबेराय के थिएटर्स के अंदर हाल ही में लेकर सात पुलिस अफसर मौजूद है साठ के साथ शुरू शुरू हो गया है। ने होती ही ने चीयर्स करते हुए का जोरदार स्वागत किया। हालांकि अब तक शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी हिंदू पर्सन ने रिलीज से ठीक पहले पठान के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया था बीएससी ने बीएचपी ने फिल्म से आपातजनक सीन को हटाने पर संतोष जताया गुजरात वाकई में सचिव अशोक रावल ने कहा कि सी एफ सी ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्य शब्द को संशोधित किया है इसलिए दक्षिणपंथी समूह अब इस फिल्म के रिलीज का विरोध नहीं करेंगे बेसरंग रंगाने में अभिनेत्री देविका पातकोड़ को भगवा रंग के बिकनी में दिखाने के लिए पठान को आलोचना का सामना करना पड़ा था फिल्म टेंड एनालिसिस तरल आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ रुपये से पचास करोड़ रुपये के पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है तौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी हालांकि आज कामकाजी दिन है शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है सुबह सात बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह छह और सात बजे के शो शुरू किए गए थे कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है मल्टीप्लेक्स चेन आईनेक्स के चीफ प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म के जेप टू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दुनिया भर में सतहत्तर सौ स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो की खुशी का संकेत दे सकती है मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी संगठनों का संगठनों का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ भी करेंगे फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी फिल्म थ्रियट एनालिसिस त्र आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान बावन सौ स्क्रीन पर रिलीज हो रही है जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट पच्चीस सौ है कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को सतहत्तर सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है पठान के रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे लोगों ने शाहरुख खान देव का पातकोड़ और जॉन ब्रह्म की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज था बड़े बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख के धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे का जबरदस्त बच ही वजह है कि कोविड में हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नजारा बदला हुआ है मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौक बंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफी तरोताजा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने शाह खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा यह कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है एक कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसराज की स्पाई इस यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है पठान की कहानी फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है कश्मीर में अनुच्छेद तीन को रद्द कर दिया गया है इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है वह भारत के निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जमानी जान अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी डिप्पल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आई एस आई के एजेंट ने देवका पाथकोट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात के पतली से थी लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है बाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म दे देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की मगर बैंक बैंक और वार के बाद वह एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मार्बल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टन लोकेशन हीरो विलन के बीच शाह और मात चुटिले संवाद कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हर तंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पचेस का स्टाइल बेअैक्स स्नोमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं बेसरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं एसआर के का लुक हो आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की सफलता रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिनके रूम में जॉन अब्राहम के किरदार के माउंटिंग है बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड बिलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उनके बिलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी सलमान खान की बीस मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला है सलमान शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं पातकोड़ की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्य में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है डिम्बल कपाड़िया और तो राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूके हैं सहयोगी कास्ट अच्छी है पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है आप पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसके बारे इसको पूरा भी कर लेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जानताओं पर लगानी पड़ती है दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम जॉन एक ऐसे जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन देश की खातिर देविका शहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है लेकिन अकेले जॉन अब्राहम देवका और शहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यू तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में ज़बरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेगा कि फिल्म पैसा वसूल है मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है रात में चौकीदार अलावा जलाए देख, देखते हैं उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे आखिर पठान जो रहा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं कभी काबली वाला में तो कभी खुदा गवाह में यह पठान लावारिस है घर वाले इसे किसी घर में छोड़ गए थे कहता है इसे भारत देश ने पाला है पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है वह ये भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है आईएमडीबी की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो दो फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वो स्वदेश और चक दे इंडिया है फिल्म पठान में शहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है कहानी का सिराप फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो आई तो आईएसआई आई के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साइड रख दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है यहाँ पठान और रुबाई की एक और रूबानी दास्ता बन रही है दोनों मिलते हैं पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुगदी से निकल कर के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं फिल्म पठान शुरू के एक घंटे तक कमाल की फिल्म है बेहतरीन एडिटिंग, पठान एक सम्मेलन में शामिल होने होने जा रहे हैं वैज्ञानिकों का हमला जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हो बहू कापी नहीं करते बिलन को मारने और और भी तरीके थे बिलन को मारने के और भी सौ तरीके थे लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसकी खुशबू भी ताज़ी हो ची तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी यसराज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवाएँ हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की जरूरत है ज्यादा नहीं तो कम से कम बीते पच्चीस साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बोटी से कम नहीं है सुबह सात बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियाँ शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई सवाद बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो स्लोमशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछड़ पड़ते हैं मतलब मतलब साफ है बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को, को कोई लेना देना नहीं है फिल्म फिर भी अच्छी है अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती चार फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लौकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नज़रिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में नतीजा सबको पता है उसी सोच और उसी नज़रिए की फिल्म पठान भी है कैमरा सीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है वह आसमान से देखता है आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है फिर चाहे वह जान का अड्डा हो बेशरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया की सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस उन उनके निर्देशकों में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है दो घंटे छब्बीस मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें यह फिल्म कामयाब है रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि यह लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और उसे संभालने की पूरी जिद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है तीस साल हो गए ये सब करते करते लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते खुद ही करना होगा यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है शहरों की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो दीपिका पादकोट का है वह वा फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती हैं जो नम के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं शाहरुख और दीपिका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है शाहरुख खान के भैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार चार सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है देव का पातकोड़ और अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल क्लास फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं लेकिन रोमांस के बाद साथ का एक्शन अवतार आपको कितना भाता है आइए जानते हैं सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है इस यूनिवर्स में उन उनके नए जासूस हैं शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इस इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नज़र आता है इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एक्स रा एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन एक्स चलाता है वही दीपिका पातकोड़ एक आईएसआई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे सेकेंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार मैनेजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं जॉन और शहरों की टक्कर हर जगह काफी एक्साइटिंग है सरप्राइज पैकेज है दीपिका पाथकोड़ को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म वार को बार बार याद दिलाती है साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं जिसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश दुबई की सड़कों पर बूंद बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान भोंग दी है फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते गाते और चिल्लाते हुए देखा है कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी फिल्म में भाईजान जानी सलमान खान की भी एंट्री है सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो जबरदस्त है जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है ऐसे आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी इस बस नया खतरा नया मिशन लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद ख़ास है यह फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है पठान एक फैमिली एंटरटेनिंग इंटरटेनमेंट वाली जबरदस्त है जिस, जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारे एलिमेंट मौजूद हैं मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है थ्री स्टार शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले पे शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा लव यू शाहरुख खान सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख को के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटिया भी बजाई भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को ट्रेन का सामना करना पड़ा उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूम में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था शाहरुख खान व सलमान को रू पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल तालियों की प्रगढ़ा से गूंज उठा है रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है आज अकेला आया हूँ कल फैमिली के साथ आऊँगा और परसों रिश्तेदारों के साथ पूरे दर्शक ऋषभ बोले चार साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बनानजा से कम नहीं था शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है विश्रम गाने की बात पर दीपिका ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुँचाए हमें बाइकआउट गायन को ही बाइकआउट करना चाहिए सारे गाने बहुत अच्छे हैं इस तरह की ट्रेंड सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी दीपिका के बेसरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहनने को लेकर विवाद गरमाया था लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है तृढ़ आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है फिल्म तो रिलीज हो गई है लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म आइए जानते हैं फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया विशाल ने ट्वीट किया आज त्यौहार है पठान जय हिंद स्पाइलर्स ना दे तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें पठान के एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस के भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था इसराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए अब यह फिल्म दुनिया भर में आठ हजार स्क्रीन पर चलाई जाएगी यह एक रिकॉर्ड है यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म आठ हजार स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई भारत में फिल्म अब पचपन सौ स्क्रीन पर चलेगी शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल राशिद खान उर्फ के आर के ने भी फिल्म को फर्स्ट हाफ को फोर स्टार दिए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है दिल्ली के सिनेमाघरों में बिल्लभ यू शहरुख हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया बेषरम गाने में दीपिका पातकोड़ की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था वो भी अभी तक जारी है पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्त लेते दिखाई दिए हैं ट्रिएट एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को पांच स्टार दिए हैं उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है एक ट्वीट में उन्होंने लिखा पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसर राणा ने अपना रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है रुसद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं इस महीने शादी करने वाले राडा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था कोई शिकायत नहीं है मुझे एक्स सच में बहुत पसंद आया फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को चार और पाँच स्टार दे रहे हैं फैंस शाहरुख खान दीपिका पातकोड़ और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं सुबह सात बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉक बताया पठान दो आइडियोलॉजी की कहानी है एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रा एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है लेकिन कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है दिल्ली में सारके के फैंस फंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे वहीं कई थिएटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शाहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पठान पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है मिशन रक्तिबाजी के लिए पठान रुबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है या, या होगी जिम की जीत ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है देविका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है वही सलमान खान के कैमियों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रूबीना के साथ होता है इस दौरान उसके सामने यह सच्चाई आ जाती है कि मिशन रगतेबाजी क्या है पठान शहरों का और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का टिकाना नहीं रहा थिएटर में लगभग दस मिनट तक फैंस तालियाँ और सीटियाँ बजा रहे हैं इंट्रोल के के बाद बाद हम फिल्म में मच सलमान सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं सालों स्क्रीन पर और शाहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग है अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है इसकी दिलचस्प कहानी इंट्रोल के बाद शुरू होती है फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है फिल्म के रिलीज के बाद टीवी वी नाइन भारत वर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की शाहरुख ने शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बाकॉट नहीं होने देंगे हम पठान जरूर देखेंगे विवाद तो चलते ही रहते हैं आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन रतीबाजी पर तो चल पड़ता है लेकिन उसे रुबीन धोखा दे देती है जहां फिल्म का इंट्रोल हो जाता है हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है मिशन रक्तिबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है फिल्म में दीपिका पातकोड़ आईएसआई अफसर का किरदार निभा रही हैं जिम का पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना मोहिस के साथ होती है भले ही वो जिम के साथ हों लेकिन रक्तिबाजी के लिए वो पठान से हाथ मिला लेती है जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम क्यों देश के खिलाफ हैं इसकी कहानी फिल्म में बया की गई है पठान में दीपिका पातकोड़ भगवा स्विम शूट में दिखाई दी हैं हालांकि बेशरम रंग गाने में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था वो सीन कट गया है भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देवका पातकोर शाहरुख खान के साथ तो रोमांस रोमांस नहीं कर रही हैं लेकिन फिल्म के बेशरम रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम सूट में देखा जा सकता है रा अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता है? ये कहानी डिम्पल कवाड़िया सुनाती हैं जहाँ वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं उनके साथ पठान काम करता है फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं जिनके साथ पठान काम करता है हालांकि पठान उनके साथ काम नहीं करता इस दौरान एक सी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है लेकिन अब न तो पठान पर भरोसा करती है और न ही दीपिका पर दुश्मनों से चार हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो जाते हुए नजर आ रहा है हालांकि वह दौरान वह चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है पठान जंजीरों के बीच जकड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं हिंदी में बोल पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर दिया गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है हिंदी में बॉल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है मुंबई में पीबीआर के थिएटर के अंदर हाल ही में छे से लेकर सात पुलिस अफसर मौजूद हैं साठ परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ शो शुरू हो गया है शुरू होते ही फैंस ने चीयर्स करते हुए शाहरुख खान का जोरदार स्वागत किया हालांकि अब तक शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी विश्व हिंदू पर्सन ने रिलीज से ठीक पहले

फिल्म टेंड एनालिसिस तरल आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है खासतौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी हालांकि आज कामकाजी दिन है शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है सुबह सात बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह 6 और सात बजे के शो शुरू किए गए थे कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है मल्टीप्लेक्स चेन आइन के चीफ प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म के जेप टू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दुनिया भर में सतहत्तर स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो हजार तेईस की खुशी का संकेत दे सकती है मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी संगठनों का संगठनों का, का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमा घरों में तोड़फोड़ भी करेंगे फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी फिल्म थ्रेड एनालिसिस त्र आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान बावन सौ स्क्रीन पर रिलीज हो रही है जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट पच्चीस सौ है कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को सतर सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है पठान की रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे लोगों ने शाहरुख खान देव का पातकोड़ और जॉन जानब्रह्म की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज़ था बड़े बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख के धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे म का जबरदस्त बच ही वजह है कि कोविड संगठन में डराप ठप हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नज़ारा बदला हुआ है मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौकबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफी तरोताजा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने राज खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और यह मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा यह कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस इसराज की स्पाई इस यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है पठान की कहानी फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है कश्मीर में अनुच्छेद तीन को रद्द कर दिया गया है इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है वह भारत के निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जमानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दे बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी निपल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आई एस आई के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पाथकोट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात के पतली से थी लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म दे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की मगर बैंक बैंक और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े इसमें कोई दो नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मार्बल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टन एक लोकेशन, हीरो हीरोन के बीच शाह और मात चुटिले संवाद कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हर तंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पचेज का स्टाइल बेअैक्स स्नोमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं एसआर के का लुक हो आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं फिल्म का सरप्राइज़ एलिमेंट है जिनके रूम में जॉन अब्राहम के किरदार के माउंटिंग है बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड बिलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उनके बिलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी सलमान खान की बीस मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला है सलमान शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं दीपिका पातकोड़ की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्य में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है डिम्पल कपाड़िया और उसड़ा तो ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूके हैं सहयोगी कास्ट अच्छी है पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा फिल्म की कहानी पठान यानी शहरुख खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है आप पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसके बारे इसको पूरा भी कर लेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं आपको कहानी ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जानताओं पर लगानी पड़ती है दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करते हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम जॉन एक ऐसे दुश्मन है जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन देश की खातिर देवका शहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है लेकिन अकेले जॉन अब्राहम देवका और शहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड ट्स काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पातकोड़ सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विंट आपको हैरान कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेगा कि फिल्म पैसा वसूल है मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है रात में चौकीदार अलावा जलाए दे, देखते हैं उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिस कर मिचो आखिर पठान जो आ रहा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफ़गानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं कभी काबली वाला में तो कभी खुदा गवाह में ये पठान लावारिस है घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे कहता है इसे भारत देश ने पाला है पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है वह ये भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है आई एम डी बी की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो दो फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है कहानी का सिरा फिल्म वहाँ से पकड़ती है जहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉके एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो यह सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो आई तो आईएसआई के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साइड रख दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों के प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है यहाँ पठान और रुबाई की एक और रुमानी दास्ता बन रही है दोनों मिलते हैं पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी लगता है कि शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुकदी से निकल कर के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं फिल्म पठान शुरू के एक घंटे तक कमाल की फिल्म है बेहतरीन एडिटिंग पठान का मिशन में शामिल होना रॉके अफ्सरों का आपस में नीति ंताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने होने जा रहे बैगनिकों का हमला जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हो बहू कापी नहीं करते बिलन को मारने और और भी तरीके थे विलन को मारने के और भी सौ तरीके थे लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसकी खुशबू भी ताजी हो ची तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी इस राज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है ज्यादा नहीं तो कम से कम बीते पच्चीस साल की फिल्में ये लोग देख ले तो ये सराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बोटी से कम नहीं है सुबह सात बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियाँ शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई सवान बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं मतलब मतलब साफ है बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है फिल्म फिर भी अच्छी है अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती चार फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लौकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नजरिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में नतीजा सबको पता है उसी सोच और उसी नजरिए की फिल्म पठान भी है कैमरा सीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है वह आसमान से देखता है आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है फिर चाहे वो जान का अड्डा हो बेशरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया के सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस, उन उनके निर्देशकों में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है दो घंटे छब्बीस मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखते हैं शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें फिल्म कामयाब है है रुबाई एक सीन में पठान से पूछती कि यह लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और उसे संभालने की पूरी जिद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है तीस साल हो गए ये सब करते करते लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सके खुद ही करना होगा यूं लगता है जैसे बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है शहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरातन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में देविका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो वह दीपिका पादकोट का है वह वा फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती हैं जो अब्राहम के लिए उनके ये करियर की सबसे बड़ी ऊँचाई है जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में नायक बने हैं शाहरुख और दीपिका की तरह है हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार चार सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है देव का पातकोड़ और जाना अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल क्लास फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं लेकिन रोमांस के बाद साथ का एक्शन अवतार आपको कितना भाता है आइए जानते हैं सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है इस यूनिवर्स में उन उनके नए जासूस हैं शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलि इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एजेंट जिम जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है यही प्राइवेट आतंकी संगठन आउट फेथ एक्स चलाता है वही दीपिका पातकोड़ एक आई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफी एक्साइटिंग है सरप्राइज पैकेज है दीपिका पातकोड़ को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्मवार को बार बार याद दिलाती है साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं जिसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश दुबई की सड़कों पर बूंद बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान भोंग दी है फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते गाते और चिल्लाते हुए देखा है कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी फिल्म में भाईजान जानी सलमान खान की भी एंट्री है सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो जबरदस्त है जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है ऐसी आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी इस बस नया खतरा नया मिशन लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद ख़ास है ये फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है पठान एक फैमिली इंटरटेनिंग इंटरटेनमेंट वाली ज़बरदस्त मसाला फिल्म है जिस जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारी एलिमेंट मौजूद हैं मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है थ्री स्टार शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले पे शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा लव यू शाहरुख खान सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख को के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटिया भी बजाई भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बाइकआउ ट्रेन का सामना करना पड़ा उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूम में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था शाहरुख खान व सलमान को रू पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाह से गूंज उठा है रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है आज अकेला आया हूँ कल फैमिली के साथ आऊँगा और परसों रिश्तेदारों के साथ पूरे दर्शक ऋषभ बोले चार साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बनानजा बुन, से कम नहीं था शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है बेश्रम गाने की बात पर देविका ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए हमें को को ही करना चाहिए सारे गाने बहुत अच्छे हैं हैं इस तरह की ट्रेंड सिर्फ शाहरुख इमेज धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी दीपिका के बेसरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहने को लेकर विवाद गरमाया था लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं भारी विरोध के भी रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है तृढ़ आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है फिल्म तो रिलीज हो गई है लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म आइए है जानते हैं फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के, के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया विशाल ने ट्वीट किया आ, आज त्यौहार है पठान जय हिंद स्पायलर्स ना दे तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें पठान की एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस के भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था इसराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए अब यह फिल्म दुनिया भर में आठ हज़ार स्क्रीन पर चलाई जाएगी यह एक रिकॉर्ड है यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म आठ हजार स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई भारत में फिल्म अब पचपन सौ स्क्रीन पर चलेगी शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल राशिद खान उर्फ के आर के ने भी फिल्म को फर्स्ट हाफ को फोर स्टार दिए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है दिल्ली के सिनेमाघरों में बिल्लभ यू शहरुख हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया बेशरम गाने में दीपिका पातकोड़ की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था वो भी अभी तक जारी है पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्फ लेते दिखाई दिए हैं थिएट एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है एक ट्वीट में उन्होंने लिखा पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसर राणा ने अपना रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है रुसद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं इस महीने शादी करने वाले रुसद राणा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था कोई शिकायत नहीं है मुझे एक सच में बहुत पसंद आया फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को चार और पाँच स्टार दे रहे हैं फैंस शाहरुख खान दीपिका पातकोड़ और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं सुबह सात बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉक बताया पठान दो आइडियोलॉजी की कहानी है एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रा एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है लेकिन कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है दिल्ली में सार्के के फैंस बैंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे वहीं कई थियेटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पठान पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है मिशन रक्तिबाजी के लिए पठान रुबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है यान? या होगी जिम की जीत ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है देविका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है वही सलमान खान के कैमियों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रुबीना के साथ होता है इस दौरान उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि मिशन रगतेबाजी क्या है पठान शहरुख और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा थिएटर में लगभग दस मिनट तक फैंस तालियां और सीटियां बजा रहे हैं इंट्रोल के बाद हम फिल्म में मच अवंश सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं सालों के बाद स्क्रीन पर सलमान और शहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है इसकी दिलचस्प कहानी इंट्रोल के बाद शुरू होती है फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है फिल्म की रिलीज़ के, रिलीज के बाद टी वी नाइन भारत वर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की शाहरुख ने शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बाकॉट नहीं होने देंगे हम पठान जरूर देखेंगे विवाद तो चलते ही रहते हैं आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन सनरक्तिबाजी पर तो चल पड़ता है लेकिन उसे रुबींद धोखा दे देती है जहाँ फिल्म का इंट्रोल हो जाता है हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है मिशन रक्तिबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है फिल्म में दीपिका पातकोड़ आई एस आई अफसर का किरदार निभा रही हैं जिम का पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना मोहसिस के साथ होती है भले ही वो जिम के साथ हों लेकिन रक्तिबाजी के लिए वो पठान से हाथ मिला लेती है जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम को देश के खिलाफ हैं इसकी कहानी फिल्म में बया की गई है पठान में देविका पातकोर भगवा स्विम शूट में दिखाई दी हैं हालांकि बेसरम रंग में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था वो सीन कट गया है भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देविका पातकोर शाहरुख खान के साथ तो रोमांस रोमांस नहीं कर रही हैं लेकिन फिल्म के बेशरम रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम शूट में देखा जा सकता है रा अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता ये कहानी डिम्पल कपाड़िया सुनाते हैं जहाँ वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं उनके साथ पठान काम करता है फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं जिनके साथ पठान काम करता है हालांकि अब पठान उनके साथ काम नहीं करता इस दौरान एक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है लेकिन अब ना तो पठान पर भरोसा करते हैं और न ही दीपिका पर दुश्मनों से चार हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो, जाते हुए नजर आ रहा है हालांकि वह दौरान वह चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है पठान जंजीरों के बीच जकड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं हिंदी में बोल पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर दिया गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है हिंदी में बॉल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है मुंबई में पीबीआर बी के थिएटर्स के अंदर हाल ही में छे से लेकर सात पुलिस अफसर मौजूद हैं साठ परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ शो शुरू हो गया है शुरू होते ही फैंस ने चीयर्स करते हुए शाहरुख खान का जोरदार स्वागत किया हालांकि अब तक हालाक की एंट्री नहीं हुई थी विश्व हिंदू पर्सन ने रिलीज से ठीक पहले पठान के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया था बी एस सी ने बी एच पी सीन को हटाने पर संतोष जताया गुजरात वाकई में सचिव अशोक रावल ने कहा कि सी ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्य शब्द को संशोधित किया है इसलिए दक्षिणपंथी समूह अब इस फिल्म के रिलीज का विरोध नहीं करेंगे बेसरंग रंगाने में अभिनेत्री देविका पाथोड़ को भगवा रंग के बिकनी में दिखाने के लिए पठान को आलोचना का सामना करना पड़ा था फिल्म एनालिसिस आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ करोड़ रुपए रुपए से 50 के 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 पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है खासतौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी हालांकि आज कामकाजी दिन है शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है सुबह सात बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह छह और सात बजे के शो शुरू किए गए थे कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है मल्टीप्लेक्स चेन आईनएक्स के चीप प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म के जेप टू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दुनिया भर में सतर स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो की खुशी का संकेत दे सकती है मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी संगठनों का संगठनों का, का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ भी करेंगे फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी फिल्म थियर एनालिसिस त्र आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान बावन सौ स्क्रीन पर रिलीज हो रही है जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट पच्चीस सौ है कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को सतहत्तर सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है पठान के रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे लोगों ने शाहरुख खान देव का पातकोड़ और जॉन ब्रह्म की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज था बड़े बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख की धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्रम का जबरदस्त बच ही वजह है कि कोविड संगठन में डराप ठप हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नज़ारा बदला हुआ है मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौकबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफी तरोताजा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने शाह खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा यह कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है एक कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस इसराज की स्पाई इस यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है पठान की कहानी फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है कश्मीर में अनुच्छेद तीन को रद्द कर दिया गया है इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जमियानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी डिपल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आई एस आई के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पादकोट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात की पतली से तीन लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म दे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की मगर बैंक बैंक और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मार्बल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट टेक लोकेशन हीरो विलन के बीच शाह और मात चुटिले संवाद कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हर तंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पचेस का स्टाइल बेफेक्स सिनोमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका नैना विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं एसआर के का लुक हो आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिम के रूम में जॉन अब्राहम के किरदार के माउंटिंग है बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उनके विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी सलमान खान की बीस मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फायदा मिला है सलमान शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं दीपिका पातकोड़ की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्य में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है डिम्बल कपाड़िया और सुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूके हैं सहयोगी कास्ट अच्छी है पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा फिल्म की कहानी पठान शहरुख खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है आप पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसके बारे इसको पूरा भी कर लेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जानताओं पर लगानी पड़ती है दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में दीपिका पातकोड़ इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम जाने एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन देश की खातिर देवका शहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है लेकिन अकेले जॉन अब्राहम देवका और शहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यूं तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पातकोर सिर्फ एक्सपोज करने के लिए है लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विंस आपको हैरान कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कि फिल्म पैसा है। मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है रात में चौकीदार अलावा जलाए दे, देखते हैं उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिस कर दिखे आखिर पठान जो आ रहा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं कभी काबली वाला में तो कभी खुदा गवाह में ये पठान लावारिस है घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे कहता है इसे भारत देश ने पाला है पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है आईएमडीबी की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो दो फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है कहानी का सिरा फिल्म वहाँ से पकड़ती है जहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं थी पठान पूछता है अगर किसी मंत्री के बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद न आए तो आई तो आईएसआई आई के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई सइित रख दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है यहाँ पठान और रुबाई की एक और रुमानी दास्ता बन रही है दोनों मिलते हैं पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुगदी से निकल कर के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं फिल्म पठान शुरू के एक घंटे तक कमाल की फिल्म है बेहतरीन एडिटिंग पठान का मिशन में शामिल होना रॉक एफरों का आपस में नीति नियंत्रों के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने होने चार है वैज्ञानिकों का हमला जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हो बहू कापी नहीं करते बिलन को मारने और और भी तरीके थे बिलन को मारने के और भी सौ तरीके थे लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसको खुशबू भी ताज़ी हो जी तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी यसराज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवाएँ हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की जरूरत है ज्यादा नहीं तो कम से कम बीते पच्चीस साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी भोटी से कम नहीं है सुबह सात बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़किया शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई सवान बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछड़ पड़ते हैं मतलब मतलब साफ है बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई को लेना देना नहीं है फिल्म फिर भी अच्छी है अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती चार फिल्में के 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 एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन के पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नजरिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म फिल्मवार में नतीजा सबको पता है उसी सोच और उसी नज़रिए की फिल्म पठान भी है कैमरा हीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है वह आसमान से देखता है आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है फिर चाहे वह जान का अड्डा हो बेशरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया के सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस उन उनके निर्देशकों में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है दो घंटे छब्बीस मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें फिल्म कामयाब है रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि यह लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और उसे संभालने की पूरी जद्दोजाहत इस फिल्म में करते दिखते हैं पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है तीस साल हो गए ये सब करते करते लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते खुद ही करना होगा यूँ लगता है जैसे बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है शहर की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरातन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो दीपिका पादकोट का है वह वा फिल्म वार में वी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है वह आखिरकार अपने पूरे रुआ में दिखती हैं जो नहम के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब हो रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं शाहरुख और दीपिका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात में उसे मिलाने में जुट जाती है शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार चार सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है देव का पातकोड़ और जाना अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल क्लास फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं लेकिन तो रोमांस के बाद साथ का एक्शन अवतार आपको कितना भाता है आइए जानते हैं सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपने इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है इस यूनिवर्स में उन उनके नए जासूस हैं शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एजेंट जिम जिम अब अब देश का दुश्मन बन चुका है यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउट फेथ एक्स चलाता है वही दीपिका पातकोड़ एक आईएसआई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टंस हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफी एक्साइटिंग है सरप्राइज पैकेज है दीपिका पातकोड़ को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्मवार को बार बार याद दिलाती है साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं जिसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की सड़कों पर पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान भोंग दी है फिल्म के इंटरल में लोग बाहर जाते हैं लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते गाते और चिल्लाते हुए देखा है कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी फिल्म में भाईजान भाईजानी सलमान खान की भी एंट्री है सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो जबरदस्त है जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है ऐसे आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी इस बस नया खतरा नया मिशन लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद ख़ास है यह फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है पठान एक फैमिली एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट वाली जबरदस्त मसाला फिल्म है जिस जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारे एलिमेंट मौजूद हैं मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है थ्री स्टार शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा लव यू शाहरुख खान सिनेमाघर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियाँ भी बजाई भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बायकआउट ट्रेन का सामना करना पड़ा उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के करो में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था शाहरुख खान व सलमान को रू पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल हाँ, तालियों की उठा है। रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है आज अकेला आया हूँ कल फैमिली के साथ आऊंगा और परसों रिश्तेदारों के साथ पूरे दर्शक ऋषभ बोले चार साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बन से कम नहीं था शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है बेशरम गाने के बाद पर देविका ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए हमें बाइकआउट गाइक को ही बाइकआउट करना चाहिए सारे गाने बहुत अच्छे हैं इस तरह की टेंट सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी दीपिका के बेसरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहने को लेकर विवाद गर्माया था लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है तृढ़ आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉक बताया है फिल्म तो रिलीज हो गई है लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म आइए जानते हैं फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया विशाल ने ट्वीट किया आ, आज त्यौहार है पठान जय हिंद स्पाइलर्स ना दे तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें, पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें ऐसी चीजें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें पठान के एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए

फॉर स्टार डे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है दिल्ली के सिनेमाघरों में शाहरुख हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया बेशरम गाने में दीपिका पातकोड़ की बिक्री के रंग पर खूब हंगामा हुआ था वो भी अभी तक जारी है पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्फ लेते दिखाई दिए हैं एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को पांच स्टार दिए हैं उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है एक ट्वीट में उन्होंने लिखा पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसर राणा ने अपना रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है रुसद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं इस महीने शादी करने वाले रुसद राणा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था कोई शिकायत नहीं है मुझे एक्स सच में बहुत पसंद आया फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को चार और पांच स्टार दे रहे हैं फैंस शाहरुख खान का और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं सुबह बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया पठान दो आइडियोलॉजी की कहानी है एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रा एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है लेकिन कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है दिल्ली में सार्के के फैंस बैंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे वहीं कई थिएटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पठान है, पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है मिशन रक्तिबाजी के लिए पठान रूबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है यान? या होगी जिम की जीत ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है देविका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है वही सलमान खान के कैमियों ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रुबीना के साथ होता है इस दौरान उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि मिशन रगतेबाजी क्या है पठान शहरुख और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा थिएटर में लगभग दस मिनट तक फैंस तालियां और सीटियां बजा रहे हैं इंट्रोल के बाद हम फिल्म में मच आवंश सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं सालों के बाद स्क्रीन पर सलमान और शाहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है इसकी दिलचस्प कहानी इंट्रोल के बाद शुरू होती है फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है फिल्म की रिलीज के बाद टीवी वी नाइन भारत वर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की शाहरुख ने शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बायकॉट नहीं होने देंगे हम पठान जरूर देखेंगे विवाद तो चलते ही रहते हैं आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन रतबाजी पर तो चल पड़ता है लेकिन उसे रुबीन धोखा दे देती है जहां फिल्म का इंट्रोल हो जाता है हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है मिशन रक्तिबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है फिल्म में दीपिका पातकोड़ आई एस आई अफसर का किरदार निभा रही हैं जिम का पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना के साथ होती है भले ही वह जिम के साथ हो लेकिन रक्तिबाजी के लिए वो पठान से हाथ मिला लेती है जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम क्यों देश के खिलाफ है इसकी कहानी फिल्म में बया की गई है पठान में दीपिका पातकोड़ भगवा स्विम शोट में दिखाई दी हैं हालांकि बेशरम रंग गाने में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था वो सीन कट गया है भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देविका पातकोर शहरुख खान के रोमांस रोमांस नहीं कर रही हैं लेकिन फिल्म के बेशरम रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम सूट में देखा जा सकता है रा अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता ये कहानी डिम्पल कपाड़िया सुनाते हैं जहाँ वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं उनके साथ पठान काम करता है पुल में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं जिनके साथ पठान काम करता है हालांकि पठान उनके साथ काम नहीं करता इस दौरान एक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है लेकिन अब ना तो पठान पर भरोसा करती है और न ही दीपिका पर दुश्मनों से चार हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो जाते हुए नजर आ रहा है हालांकि वह वह दौरान चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है पठान जंजीरों के बीच जगाड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं हिंदी में बोल पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अश्वीकरण यानी डिस्कले मर दिया गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है हिंदी में बॉल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है मुंबई में पीबीआर बी के थिएटर्स के अंदर हाल ही में छह से लेकर सात पुलिस अफसर मौजूद है, है। हालांकि अब तक शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी हिंदू पर्सन ने रिलीज से ठीक पहले पठान के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया था बे बी एस सी ने बी एच पी ने फिल्म से आपातजनक सीन को हटाने पर संतोष जताया गुजरात वाकई में सचिव अशोक रावल ने कहा कि सी एफ सी ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्य शब्द को संशोधित किया है इसलिए दक्षिणपंथी समूह अब इस फिल्म के रिलीज का विरोध नहीं करेंगे बेसरंग रंगाने में अभिनेत्री देविका पातकोड़ को भगवा रंग के बिकनी में दिखाने के लिए पठान को आलोचना का सामना करना पड़ा था फिल्म टेंड एनालिसिस तरल आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ रुपये से पचास करोड़ रुपये के पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है तौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी हालांकि आज कामकाजी दिन है शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है सुबह सात बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह छह और सात बजे के शो शुरू किए गए थे कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है मल्टीप्लेक्स चेन आईनेक्स के चीफ प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म के जेप टू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दुनिया भर में सतर सौ स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो की एक खुशी का संकेत दे सकती है मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी संगठनों का संगठनों का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ भी करेंगे फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी फिल्म थ्रेड एनालिसिस त्र आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान बावन सौ स्क्रीन पर रिलीज हो रही है जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट पच्चीस सौ है कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को सतर सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है पठान के रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे लोगों ने शाहरुख खान देव का पातकोड़ और जॉन ब्रह्म की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज़ था बड़े बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख के धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फिल्म का जबरदस्त बच ही वजह है कि कोविड संगठन में डेराप ठप हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नजारा बदला हुआ है मॉर्निंग शोज़ में पुलिस के चाक चौक बंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तरोताज़ा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने बाद शाह खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फ़ैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा ये कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है एक कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसराज की स्पाई इस यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है पठान की कहानी फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है कश्मीर में अनुच्छेद तीन को रद्द कर दिया गया है इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जेमयानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दे बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी डिब्बल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आईएसआई आई के एजेंट रुबाई यानी देविका पादकोट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात के पतली से थी लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म दे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने, ने करियर की शुरुआत हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की मगर बैंक बैंक और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े इसमें कोई दो नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊँचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहाँ देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मार्बल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टन टॉट टेक लोकेशन हीरो विलन के बीच शाह और मात चुटिले संवाद कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के हर तंगेज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत स्टाइल पचेकाटोग्राफी एक्शन स्वीकेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खास मेहनत की गई है पठान के किंग खान अपने कम को सही मायनों में सार्थक करते हैं एस का लुक हो आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की सफलता रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिनके रूम में जॉन अब्राहम के किरदार के माउंटिंग है बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड बिलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उनके बिलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी सलमान खान की बीस मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फायदा मिला है सलमान शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं दीपिका पातगौड़ की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रुबाई जैसी गर्ल के विभिन्न परतों को खूबी से जिया है बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्य में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है डिम्पल कपाड़िया और उसतो सराड़ा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूके हैं सहयोगी कास्ट अच्छी है पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के ज़रिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसके बारे इसको पूरा भी कर लेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जानताओं पर लगानी पड़ती है दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में देविका पातकोड़ इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम जान एक ऐसे जिन्हें हारा पाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन देश की खातिर देविका शहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है लेकिन अकेले जॉन अब्राहम देवका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यू तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेगा कि फिल्म पैसा वसूल है मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है रात में चौकीदार अलावा जलाए देख, देखते हैं उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे आखिर पठान जो आ रहा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं कभी काबली वाला में तो कभी खुदा गवाह में यह पठान लावारिस है घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे कहता है इसे भारत देश ने पाला है पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है आईएमडीबी की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है कहानी का सिरा फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो यह सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो आज आई, तो आईएसआई आई के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई सइ रख दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों के प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है यहाँ पठान और रुबाई की एक और रुमानी दास्ता बन रही है दोनों मिलते हैं पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी यूं लगता है कि शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के दो एजेंट लुगदी से निकल कर के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं फिल्म पठान शुरू के एक घंटे तक कमाल की फिल्म है बेहतरीन एडिटिंग पठान का मिशन में शामिल होना रॉक अफसरों का आपस में नीति नियंताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने होने जा रहे का हमला जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हो बहू कापी नहीं करते बिलन को मारने और और भी तरीके थे विलन को मारने के और भी सौ तरीके थे लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है पकवान अच्छा बना है स्वादिष्ट भी है लेकिन इसकी खुशबू भी ताजी हो ची तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी जिस राज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की जरूरत है ज्यादा नहीं तो कम से कम बीते पच्चीस साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बोटी से कम नहीं है सुबह सात बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं मतलब मतलब साफ है बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है फिल्म फिर भी अच्छी है अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती चार फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नजरिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में नतीजा सबको पता है उसी सोच और उसी नजरिए की फिल्म पठान भी है कैमरा हसीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है वह आसमान से देखता है आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है फिर चाहे वह जान का अड्डा हो बेशरम रंग का फिल्मांकन हो दुनिया के सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस उन उनके निर्देशकों में एक सफाई है एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है दो घंटे छब्बीस मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत जरूरी था और इसमें फिल्म कामयाब है रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि यह लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और उसे संभालने की पूरी जिद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है तीस साल हो गए ये सब करते करते लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते खुद ही करना होगा यूँ लगता है जैसे बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है शहर की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरातन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो दीपिका पादकोट का है वह वा फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है वह आखिरकार अपने पूरे रुआ में दिखती हैं जो नम के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं शाहरुख और देवका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायना में जुट जाती है शाहरुख खान के भैंस के लिए पठान वही चीज है जो आखिरकार चार सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है देव का पातकोड़ और अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल क्लास फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं लेकिन रोमांस के बाद साथ का एक्शन अवतार आपको कितना भाता है आइए जानते हैं सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपने इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है इस यूनिवर्स में उन उनके नए जासूस हैं शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एजेंट जिम जिम अब अब देश का दुश्मन बन चुका है यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन एक्स चलाता है वही दीपिका पातकोड़ एक आईएसआई आई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टंस हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफी एक्साइटिंग है सरप्राइज पैकेज है दीपिका पादकोड़ को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्मवार को बार बार याद दिलाती है साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं। जिसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश दुबई की सड़कों पर बूंद बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान फोंक दी है फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते गाते और चिल्लाते हुए देखा है कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी फिल्म में भाईजान भाईजानी सलमान खान की भी एंट्री है सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो जबरदस्त है जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है ऐसे आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी इस बस नया खतरा नया मिशन लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद ख़ास है ये फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है पठान एक फैमिली एंटरटेनिंग इंटरटेनमेंट वाली जबरदस्त मसाला फिल्म है जिस जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारी एलिमेंट मौजूद हैं मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है थ्री स्टार शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा लव यू शाहरुख खान सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख को के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटिया भी बजाई भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों लेकिन राची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बायोट्रेन का सामना करना पड़ा उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूम में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था शाहरुख खान व सलमान को रू पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल हाँ, तालियों की तड़गड़ाह से गूंज उठा है रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा फिल्म ब्लॉकबस्टर है आज अकेला आया हूँ कल फैमिली के साथ आऊँगा और परसों रिश्तेदारों के साथ पूरे दर्शक ऋषभ बोले चार साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बनानजा बुन, से कम नहीं था शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है विश्रम गाने की बात पर दीपिका ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए हमें को ही करना चाहिए सारे गाने बहुत अच्छे हैं इस तरह की टेंट सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी दीपिका के बेसरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहने को लेकर विवाद गरमाया था लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं भारी विरोध के बी रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है तृढ़ आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है फिल्म तो रिलीज हो गई है लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म आइए जानते हैं फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज़ के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया विशाल ने ट्वीट किया आज त्यौहार है पठान जय हिंद स्पाइलर्स ना दे तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें पठान के एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस के भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था इसराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए अब यह फिल्म दुनिया भर में आठ हजार स्क्रीन पर चलाई जाएगी यह एक रिकॉर्ड है यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म आठ हजार स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई भारत में फिल्म अब पचपन सौ स्क्रीन पर चलेगी शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल राशिद खान उर्फ के आर के ने भी फिल्म को फर्स्ट हाफ को फोर स्टार दिए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है दिल्ली के सिनेमाघरों में बिल्लभ यू शहरुख हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया बेशर गाने में दीपिका पातकोड़ की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था वो भी अभी तक जारी है पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्त लेते दिखाई दिए हैं थिएट एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को पांच स्टार दिए हैं उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है एक ट्वीट में उन्होंने लिखा पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसर राणा ने अपना रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है रुसद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को पाँच स्टार दिए हैं इस महीने शादी करने वाले रुसद राड़ा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था कोई शिकायत नहीं है मुझे एक सच में बहुत पसंद आया फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को चार और पाँच स्टार दे रहे हैं फैंस शाहरुख खान दीपिका पातकोड़ और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं सुबह सात बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया पठान दो आइडियोलॉजी की कहा